सबको जेम्स की मत्ती की किताब 8 अध्याय उसकी 5 आयत। जब वह कफरनूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उसे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सूबेदार ने जब प्रभु यीशु मसीह को रिक्वेस्ट की कि प्रभु, मेरा एक सेवक मेरे घर में बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर दो, वो चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चलो मैं तेरे घर चलता हूँ उसको चंगा करने के लिए। लेकिन उसने बोला, प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर आ सके, मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। उसने बोला, प्रभु, आप यहीं से कह दो, मेरा जो सेवक है वो घर बैठा ही चंगा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को लिखा, 10 आयत में लिखा, तो यह सुनकर यीशु को बहुत अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास कहीं भी नहीं पाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह भी उसके विश्वास से आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा विश्वास, कितना विश्वास इस जन के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पूरी भीड़ को बताया। और अगर हम 13 आयत पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसी वहीं खड़ के कमांड करी कि जैसा तेरा विश्वास तूने आज दिखाया है, तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे साथ हो जाए, और लिखा है उसका सेवक उसी घड़ी उसके घर में चंगा हो गया। आमीन। आप जहां कहीं भी हैं वहीं से विश्वास करें, यीशु मसीह आपके लिए मिरेकल करेंगे, आपको आशीष देंगे, जो भी आपके काम रुके हैं वो सब हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको केवल विश्वास करना और एक बड़ा विश्वास करना है। आमीन। जैसा इस सूबेदार ने किया, तो आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।